जयपुर में साल 2023 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से इसका आयोजन हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव ने किया विधिवत इसका शुभारंभ। हाईकोर्ट की जयपुर पीठ में ये कार्यक्रम हुआ। प्री लिटिगेशन के 5,75,844 और लंबित 3,44,889 प्रकरण किए गए रेफर। प्रदेश में तालुका स्तर तक 517 बेंचों का गठन किया गया। पक्षकारों के बीच आपसी रजामंदी से ये मुकदमे का निस्तारण होगा। पिछले 3 लोक अदालतों से बड़ी आशातीत सफलता मिल रही है और नए और नवाचार हम उसमें जोड़कर कोशिश कर रहे हैं कि उन प्रकरणों को अधिक से अधिक निपटाया जाए, क्योंकि लगभग 6 लाख से ज़्यादा प्रकरण इसमें प्रदेश में लंबित हैं। दूसरा, जो आपके मोटर दुर्घटना के प्रकरण होते हैं उसमें एक मानवीय पहलू है, वो यह है कि किसी परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य या फिर या तो उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो पंगु हो जाता है, लाचार हो जाता है, और अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो तो मुकदमे के निपटारे के दौरान उस परिवार की जो स्थिति है वो ख़राब हो जाती है और इससे बहुत सारी विसंगतियां भी उत्पन्न होती हैं।